है ना, आराम करोगे ना तुम। हाँ तो आज ना हम गोबर मिट्टी से देखिए ऐसे लगाया जाता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और हम लोग भी बढ़िया है। अभी सुबह सुबह का समय हो चुका है और सुबह का बज चुके हैं, ज़्यादा टाइम हो चुका है और अभी हम थोड़ा बैठे हुए यहाँ पे थे और विराट है जो कि अभी सो रहा है वहाँ पे, तो भैया जी इधर खाना रेडी कर रहे हैं। हाय बोलिए। हाय कम से कम बोल बोल नहीं करते हैं। और ये देखिए सुबह सुबह क्या कर रहे भैया जी, सुबह सुबह खाना बनाने के बाद सारा काम करने के बाद चाय पी रहे हैं और चाय में देख लीजिए क्या है, निमकी। और खाना बन गया है करीब करीब, चावल बन गया ना, चावल दाल बन गया, आप सभी को दिखाता हूँ। दोस्तों चावल बन चुके हैं और इसमें दाल, इसमें दोस्तों पालक डाला हुआ है, दाल है। और इधर सब्जी बन रहा है, इधर काम करने के बाद गुड़िया जी अपना चाय पी रहे हैं। चाय नहीं पीना है ठीक है, चाय दोस्तों एक आदत सी बन गई है तो हम लोग चाय पिए बिना मन भी नहीं लगता और हम लोग खाना ना बहुत लेट खाते हैं। ठंडी में चाय हम लोग पीते हैं और ठंडी में गर्मी ही में नहीं पीते हैं। और आज ही मतलब खाना सवेरे बन रहा है, नहीं तो 10 बजे के बाद ही बनता था, क्योंकि आज ना धूप ज़्यादा कुछ निकली हुई और हवा है जो कि कम है इसकी वजह से, नहीं तो जल्दी ही उठ गए हैं। और फिर सोच रहे हैं हम लोग दोस्तों कि चूल्हे पर खाना बनाएं, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, तो वहाँ पर चूल्हे बनाएंगे और उसके बाद वहीं पे खाना बनाएंगे, क्योंकि ठंड से सेकना भी होता है और विराट को भी सेक देंगे, चीकू को भी, तो इसके लिए चूल्हा बनाएंगे और वहीं पे खाना बनाएंगे जो किचन बनाए हैं। देख लीजिए सुबह सुबह क्या कर रही है, छोड़ो हटो, ये धूल में खेलते ही रहते हैं। देखो अब लाओ मुँह साफ कर देते हैं, कर दे, इसका जैकेट एक ठो लेना है, हटो हटो, कचरा इस तरह से फेंकाते हैं और इधर कचरा लगे हुए वो सब फेंकना है अभी। तो यहाँ पे देखिए इस दीवार में जब चिकू पापा मिट्टी लगाए थे तो ये फट रहे हैं, देखिए फट रहे हैं। तो आज ना हम गोबर मिट्टी से इसे फिर से निपाई पुताई करेंगे और नीचे का ज़मीन भी, और इसी में चूल्हा बनाएंगे और इसी में भी खाना। चूल्हा बनाने के बाद गैस का अभी उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और चिकू विराट को भी सेकना उकना होता है, तो इसीलिए अब हम चूल्हा पर खाना बनाएंगे और चीकू और विराट को शिकायत भी साथ साथ में हो जाएगा क्योंकि ठंडी है, गैस का कभी कभी उपयोग कर लेंगे। तो चूल्हा बनाने के लिए हम मिट्टी को फुलाते हैं, वो थोड़ा मिट्टी बच गया था दीवार में साट रहे थे तो उसी को फिर से कर दिए और ये थोड़ा देर ही फूल जाएंगे, उसके बाद यहाँ से मिट्टी ले जाएंगे और उसके बाद चूल्हा बनाएंगे। अभी दोस्तों गुड़िया जी विराट जी का तेल मालिश करेंगे क्योंकि सुबह में कर दिए थे और दोपहर हो गए हैं, कुछ समय हो चुके हैं ना, फिर करेंगे, अभी खेल रहे हैं जी आगे, तो अभी खाट को सही कर देता हूँ क्योंकि खाट भी है ना जो टूटा हुआ है, काम चलाओ है अभी, किसी तरह से काम हो रहा है ना गुड़िया, किसी तरह से काम हो रहे हैं, मालिश होगा, रखो ना इधर, हाँ रखो रखो, मम्मी मालिश करेंगे विराट को, उसका पैंट है पहना दीजिएगा ठीक है, मालिश करने का अभी विराट जी का तेल मालिश हो जाएंगे ना तो ये आराम करेगा, है ना, आराम करोगे ना तुम, हाँ इसको अच्छे से नींद आएगा और ये फ्रेश हो करके सोएगा। और उस चीकू को बार बार हम सही करते हैं वो बार बार गंदी हो जाती है, गंदा कपड़ा कर लेती हो, चीकू कर लेती हो ना तुम, उसका जैकेट एक ठो और लेना है ना क्योंकि एक ही जैकेट पहनने हुई रहती है ना, तो चेंज करने भी नहीं बनता है ठंडी का मौसम होगी। आपका क्या गो है, चलिए इसको मालिश कीजिए जल्दी से, उसके बाद और भी काम करने हैं। खुलिए खुलिए पाउडर, और ये हाथ ना चाटते रहता ज़्यादा, चीकू देखिए पाउडर बर्बाद कर रहे हैं, खराब करिए तुम, लाओ पाउडर दो विराट का। अब ये पूरी तरह से उघाड़े हो गया काला टीका लगा लीजिए। और ये चीकू ना अपने से ऐसे पाउडर लगा रही है, ऐसे लगाया जाता है, देखिए ऐसे लगाया जाता है। अभी दोस्तों विराट का तेल मालिश हो गया है, विराट को अच्छे से गुड़िया जी तेल मालिश कर दिए और अभी हम चीकू को जा रहे हैं फ्रेश करने के लिए, क्योंकि ये बहुत जब सुबह से एक बार फ्रेश कर चुके हैं फिर ये गंदी हो चुकी है, फिर हम फ्रेश करेंगे और फिर सामने भी हो जाएगी। अब ये सोने के लिए बोल रहा है, अब ये सोने के लिए बोल रहा है, तेल मालिश हो गया तो बोल रहा है कि हाँ, और मतलब अभी तेल मालिश कर देंगे कुछ देर तक, मतलब गुड़िया जी साथ में लेकर सोएंगे तो सूझ जाएंगे, तो अभी हम तब तक इसे ना फ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए विराट काजल किस तरह से कर लिया है, गुड़िया जी लगा दिए थे बढ़िया से और ये इधर साइड में हाथ से मैं इसका और बहुत ज़्यादा अभी हल्ला करेगा,
सोने के लिए, सुलाई सुलाई नहीं तो और ज़्यादा हल्ला करेगा, तब तक मैं चीकू को फ्रेश कर देता हूँ, ठीक है? उसके बाद काम करेंगे, काम करेंगे ना, सुलाने के नाम पर हंस रहा है। हाँ अभी दोस्तों चीकू का जैकेट खोल देते हैं और इसे फ्रेश करना है ना, तो इसे खींचना भी है, छोड़ दो चीकू, चलो चलो फ्रेश करते हैं, चलो। अभी चीकू को फ्रेश कर दिए हैं और इसे ना तेल लगा करके बाल सेट करने हैं, और तेल मालिश इसे भी कर देंगे और वैसलीन लगा देंगे। अभी रोने लगी है फ्रेश करने से, और अभी गुड़िया जी सुला रहे हैं विराट को। अभी दोस्तों विराट को सुलाने के बाद गुड़िया जी यहाँ पे चूल्हे बनाने के लिए खताई कर रहे हैं। लाइए हम खत देते हैं ना, हम खत लेंगे, छोड़ दीजिए ना, और आप जाइए मेला, कल हम जो चैलेंज जीते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ ले आइए। ओ मेला से तो दोस्तों कल वाली चैलेंज आप लोग देखे होंगे, पास्ता चैलेंज, उसमें गुड़िया जी जीत गए थे। तो बोल रहे हैं ना कि आज जो कि सप्ताही मेला लगता है ना, तो सप्ताही शुक्र के शुक्रवार मेला लगते हैं, तो वहाँ से बोल रहे हैं कि मतलब समोसा और जलेबी लाने के लिए, क्योंकि मतलब डेली नहीं ना खा पाते हैं, सप्ताह सप्ताह इनको चाहिए, जब भी मेला लगेगा जब भी बोलते हैं। तो अभी चलते हैं दोस्तों हम मेला, और उसके बाद मेला से लाते हैं और हम खताई करके रखते हैं। हाँ ठीक है, अभी दोस्तों हम निकल चुके हैं मेला के लिए, और पीछे का देख सकते हैं आप लोग, बैकग्राउंड फील्ड है, और आप सभी को मेला दिखाते हैं। तो देखिए मेला के पास पहुँच चुके हैं, आप सभी को बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो ये रहा दोस्तों जानवरों का मेला, ये देखिए कितने सारे जानवर हैं जो कि बिकने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जानवरों का मेला लगता है, साथ ही साप्ताहिक बाज़ार भी लगते हैं मेले में, और देखिए कितने सारे जानवर और कितने सारे लोग आए हुए हैं, सबका अलग अलग रेट रहता है। और यहाँ पर ज़्यादातर जानवर है जो कि सेल ही हो जाते हैं, बिक भी जाते हैं, और उसके लिए देखिए गाड़ी भी लगे हुए रहते हैं कि जिनको ले जाना रहेगा वो गाड़ी से ले जाएंगे, तो गाड़ी भी पहले से ही आकर सब लगाए हुए रहते हैं। अभी चलते हैं दोस्तों कुछ खरीद लेते हैं, क्योंकि गुड़िया जी बोले हैं जो सामान लेने के लिए वो सामान ले लेते हैं। तो चलिए आप ही देख लीजिए क्या बोले हैं। यहाँ पर जानवर बिकने वाले हैं ना, तो इसलिए सब लोग भीड़ लगाए हुए हैं, इस जानवर का दाम लग रहे हैं दोस्तों। सब्जी बाज़ार, और इधर समोसा छना रहे हैं, यहाँ पर सारा चीज़ व्यवस्था होते हैं। और ये झाड़ू, खड़ा वाला झाड़ू है, और इधर सब्जी, आलू हो गया, बैंगन हो गया, गोभी हो गया। और देखिए मेला का भीड़ देखिए धीरे धीरे मतलब बढ़ते ही जा रहे हैं ना, ये देखिए, क्योंकि लोग आते हैं आसपास से। तो अभी दोस्तों यहाँ पर समोसे पैक करवा लेता हूँ, क्योंकि और इधर मिठाई भी, क्योंकि गांव का मेला है ना, और इसीलिए क्योंकि गांव में अक्सर ऐसे ही बाज़ार और मेले लगते हैं। ये देखिए उधर बाल भी बन रहे हैं, और इधर जलेबी छनाएंगे। तो अभी दोस्तों जो सामान के लिए गुड़िया जी भेजे थे ले लिया, अभी चलता हूँ। अभी दोस्तों हम आ चुके हैं घर, देखते हैं गुड़िया जी क्या कर रहे हैं। ये विराट जग गया, आपका सामान आ गया है, देखिए आप कहाँ नहीं ज़्यादा सोते हो, अभी कहाँ उठा। चलिए अभी सामान लिए हैं बनाने के लिए, मिट्टी खताई कर दिए, चलिए बढ़िया है, उसके बाद चूल्हे बनाएंगे। अभी दोस्तों गुड़िया जी के लिए मैं प्लेट लाया हूँ, और ना यहाँ पे उनके लिए समोसे लगा देता हूँ, और इसमें सब्जी और जलेबी, ठीक है? मैं सब कुछ करके दूंगा, आप लोग टेंशन मत लो। कितने खाएंगे बताइए, कितने खाएंगे पहले, सबसे पहले हमारे यूट्यूब फैमिली खाएंगे, कितने खाएंगे बोलिए, कितने समोसे खाएंगे? एक नहीं, सारा समोसा खाना है, क्योंकि आपका मतलब च्वाइस है ना, जितना मन करे उतना खा लीजिए, उसके बाद बचेगा तो हम खाएं। थड़िया को दोस्तों हटा दिए उस थाली को, और इसमें प्लेट में रख दिए दो समोसे, जलेबी और सब्जी, और हाथ धो लिए हाँ, और वहीं पर देंगे खाने के लिए, हाथ नीचे खाएंगे तो बिच्छी, तो ठीक है बैठ जाइए नीचे और खा लीजिए। दोस्तों यहाँ पे गुड़िया जी खाने के लिए रेडी, और पहले ये खा लेंगे, चैलेंज जीते हैं भाई, चैलेंज जीते हैं। तो उसमें एक था कि हम जो भी मंगाएंगे उसे आप अच्छे से लगाएंगे, तो देखिए चैलेंज में यही था, तो इनको अच्छे तरीके से हम लगा दिए हैं, और आप खा लीजिए उसके बाद हम। और ऐसे भी दोस्तों जो कि हमें ना हर हफ्ते ये मंगवाते हैं समोसा और जलेबी, ऐसे तो ये चैलेंज जीते तो और खुशी मुझे हुआ कि ये जीत करके लाए हैं, साथ में जितना अलग बात होती है ना, तो ये जीत गए। और मतलब उसमें था कि लाना नहीं है, बस आपको अच्छे से लगा करके भी देना है, और ये खाएंगे। ऐसे में फर्स्ट टाइम हम ही खाते थे पहले, लेकिन ये जीत लिए तो बोले कि हम खाएंगे पहले, वो हम लाइएगा तो लगा करके हमें दीजिएगा, और हमें मतलब इनको हम लगा करके दे दिए, तो चैलेंज हो गया पूरा, हो गया मेरा कर्ज उतर गया ना। हाँ।
और बस 100 रुपया नहीं दिए, बोले कि बस समोसा वमोसा आने करके हमें दे दीजिए, और फर्स्ट टाइम हम पहली बार हम खाएंगे, क्योंकि हम खाते थे ना, लाते थे समोसा तो पहले हम खाते थे, और या तो चीकू खाएगी, ये थोड़ा पीछे खाते हैं जानबूझ करके, लेकिन पहली बार खा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमसे कोई भी गलती या मिस्टेक हो गया होगा तो कृपया हमें छोटा भाई समझ करके माफ़ करिएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे, फिर मिले किसी नेक्स्ट में, तब तक के लिए।